आशीष चंचलानी, इनको तो आप सब जानते ही होंगे। इन्होंने YouTube से भारत में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। आशीष भारत के टॉप यूट्यूबर्स में से एक माने जाते हैं, लेकिन इंडिया के टॉप यूट्यूबर्स की लिस्ट में आने के लिए आशीष को बहुत स्ट्रगल भी करनी पड़ी है, तब जाकर उन्होंने ये मकाम हासिल किया है। आज की इस लाइफस्टाइल वीडियो में हम बात करेंगे आशीष चंचलानी की। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको आशीष पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर दो। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको कुछ ऐसी बातें पता लगेंगी आशीष के बारे में जो शायद आप नहीं जानते। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आशीष का निक नेम आशु और ऐश है और इनका जन्म 8 दिसंबर 1993 को उल्लासनगर महाराष्ट्र में हुआ और 2020 के हिसाब से इनकी उम्र हो चुकी है 26 साल। आशीष ने अपनी स्कूलिंग अपने होम टाउन उल्लासनगर से ही करी और उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन सिविल इंजीनियरिंग में की है दाता मेघे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मुंबई से। आशीष को बचपन से ही एक्टिंग करने का शौक था। वे जब स्कूल में होते थे तो अपने टीचर्स की मिमिक्री किया करते थे, लेकिन उन्हें स्कूल ड्रामास में सिलेक्ट नहीं किया जाता था क्योंकि वे बहुत मोटे हुआ करते थे। आशीष ने अपनी ग्रेजुएशन के बाद एक एक्टिंग स्कूल भी ज्वाइन किया था जिसका नाम था बैरी जॉन एक्टिंग स्टूडियो और यहाँ से उन्होंने एक्टिंग में भी डिग्री ली। आशीष चंचलानी प्रोफेशन से एक कॉमेडियन और यूट्यूबर हैं। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं आशीष चंचलानी के यूट्यूब कैरियर के बारे में। आशीष ने 2009 से अपना कैरियर यूट्यूब से स्टार्ट किया। आशीष ने अपने चैनल का नाम आशीष चंचलानी वाइंस रखा था स्टार्ट में। आशीष को वाइंस बनाने का आइडिया एक इंग्लिश यूट्यूबर डेविड लोपेज को देखकर आया। उन्होंने एक बार डेविड लोपेज की 6 सेकंड की वीडियो देखी और उनसे काफी इंस्पायर हुए। डेविड लोपेज को देखने के बाद आशीष ने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर 2-3 वाइंस बना डाली। आपको बता दें कि आशीष से पहले इंडिया में कोई भी वाइंस नहीं बनाता था। वैसे तो आशीष ने अपना चैनल 2009 में ही बना डाला था, लेकिन उन्होंने अपनी पहली वीडियो 2014 में अपलोड की जिसका नाम था हाउ टू एनॉय पीपल हु से तू मेरे बाप को जानता है क्या, और यहाँ से आशीष का यूट्यूब पर सक्सेस का सफर स्टार्ट हुआ और उनके सब्सक्राइबर्स भी काफी बढ़ गए। और इसके बाद आशीष ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, वो वीडियोस के ऊपर वीडियोस बनाते गए। 2017 में आशीष को अपनी अच्छी एक्टिंग के कारण एक वेब सीरीज में भी एक्टिंग करने का मौका मिला और उस सीरीज का नाम था क्लास ऑफ 2017 और ये सीरीज अल्ट बालाजी की होस्ट की हुई थी। आशीष भारत के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल यूट्यूबर्स में से एक माने जाते हैं और आशीष महाराष्ट्र के पहले यूट्यूबर हैं जिनके पास यूट्यूब का डायमंड प्ले बटन है। दोस्तों, वो कहते हैं ना, लाइफ आपको खुद को साबित करने का मौका जरूर देती है। ये बात आशीष ने साबित करके दिखाई है और मंजिल भी उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। दोस्तों, आपको आशीष कैसे कॉमेडियन लगते हैं ये हमें नीचे कमेंट्स में बताएं और अगर आप आशीष के फैन हैं तो इस वीडियो पर आशीष के लिए एक लाइक तो बनता है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं आशीष के अवार्ड्स के बारे में। आशीष को 2019 में बेस्ट कॉमेडियन इन्फ्लुएंसर अवार्ड मिला था वर्ल्ड ब्लॉगर अवार्ड कैनिस में। अब चलिए दोस्तों आपको मिलवाते हैं आशीष की फैमिली से। आशीष के फादर का नाम है अनिल चंचलानी, आशीष की माँ का नाम है दीपा चंचलानी, आशीष की बहन का नाम है मुस्कान चंचलानी। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं आशीष की इनकम की। दोस्तों, किसी भी यूट्यूबर की वीडियो डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे ब्रांड प्रमोशन, स्पॉन्सरशिप्स और एडसेंस। तो एग्जैक्ट आशीष की अर्निंग कितनी है वो तो हम आपको नहीं बता सकते, वो तो आशीष को ही पता होगा, लेकिन आशीष की मिनिमम इनकम 3 से 5 लाख रुपए पर मंथ हो सकती है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं आशीष चंचलानी के हाउस की। आशीष अपनी फैमिली के साथ उल्लासनगर में रहते हैं और इन फोटोज और वीडियोज में आप उनके घर की कुछ झलक देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं आशीष की कार्स और बाइक्स कलेक्शन के बारे में। आशीष के पास एक मारुति स्विफ्ट डिजायर है जिसकी प्राइस है 7 लाख रुपए। इसके अलावा आशीष के पास एक रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 बाइक है जिसकी प्राइस है 1.5 लाख रुपए। तो ये थी आशीष की लाइफस्टाइल वीडियो। अगर आप आशीष के फैन है तो इस वीडियो को कर दो लाइक और साथ ही साथ शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ।